सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के क्रूफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते पहले जल्दी से पुराने पोल की, भैया सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि अभी आज के दोस्तों मार्केट में मोबाइल फोन्स बहुत कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, हर एक ब्रांड भैया लाया जा रहा है। तो भैया आप से बोला है 96% ने हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और बाकी बोलते हैं अरे नहीं जगह ही जगह है, आने दो। अब वो ऐसे में कितने फोन बदलते हैं भैया वो तो खैर मेरे को मालूम नहीं। दोस्तों बात करते हैं अगर वैसे में आज के पोल की, तो सवाल कुछ ऐसा है कि दोस्तों वन प्लस ने फोन लॉन्च कर दिए वन प्लस 7 और वन प्लस 7 प्रो। अभी ऐसे में अगर आप वन प्लस फोन खरीदने वाले हैं या अगर आपको खरीदना होता तो आप दोस्तों दोनों में से किसको चूज करते भैया? ऐसे में दोनों की अपनी अपनी कुछ खूबियां हैं, प्राइस का भी डिफरेंस, दोस्तों ऐसे में आपकी क्या है राय मुझे बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कॉमेंट्स में, और सारी बातें मिला लो, थोड़ा जोर लगा के दबा दो जल्दी से लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं भैया पहले अपडेट दोस्तों यहां पर निकल के आता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेके, बिकॉज़ यहां पर दोस्तों हर रोज तरह-तरह के इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि जो गाड़ियां हैं भैया वो बनती जाएं सेफ से सेफ। तो यहां पर दोस्तों बात हो रही है अल्ट्रा फास्ट मोशन प्लानिंग चिप की, जिसके बाद दोस्तों यहां पर जो ऑटोनोमस गाड़ियां हैं जो भैया अपने आप चलेंगी राइट लेफ्ट आगे पीछे रुक भी जाएंगी, तो यहां पर भैया वो और ज्यादा सेफ हो सकती हैं, बिकॉज़ यहां पर दोस्तों जो मोशन है उसको बहुत पहले और काफी तेजी से प्लान किया जा सकता है कि जो अगला स्टेप है वो क्या लिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी काफी सारे डेवलपमेंट्स होने हैं और देखते हैं ऐसे में आगे चल के फ्यूचर में हम कब पूरे तरीके से बड़े आराम से यूज कर पाते हैं इन्हीं गाड़ियों को। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Xiaomi के Mi LED TVs को लेके, और यहां पे दोस्तों बात हो रही है कि इंडिया में 15 महीने में भैया 2 मिलियन जो सेल है वो कंप्लीट कर ली है। तो टीवी दोस्तों जो है वो काफी सही प्राइस पे काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं Xiaomi की तरफ से, और बोलते हैं कि भैया फुल HD में कितने पिक्सल्स, तो पिक्सल्स हुए 2 मिलियन। तो ऐसे में वही 2 मिलियन की जो सेल है वो भी कंप्लीट हो गई टीवीज की इंडिया में। क्या आपके पास या अगर आप किसी को जानते हो उसके पास मी टीवी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे व्हाट्सएप की तरफ से, और भैया व्हाट्सएप दे रही है वार्निंग इंडिया में दोस्तों ऐसी बहुत सारी बोगस कंपनीज को और तरह-तरह दोस्तों ऐसी एप्स वगैरह को जो ये दोस्तों काम कर रही है कि भैया व्हाट्सएप पे कैसे बल्क मैसेज भेजें, या मतलब व्हाट्सएप जो है वो एक तरफ कोशिश कर रहा है चीजें काबू करने की, और यहां पर दोस्तों तरह-तरह के क्लोन्स भी हैं इनफैक्ट व्हाट्सएप के बहुत सारे प्ले स्टोर पे, और इसके अलावा यहां पे तरह-तरह दोस्तों वेबसाइट्स एंड सर्विसेज जो कहती हैं कि भैया व्हाट्सएप पे ये कर देंगे वो कर देंगे तरह तरह के बल्क मैसेजेस वगैरह। तो ऐसे व्हाट्सएप बोलता है कि भैया बस बहुत हुआ, अभी सफाई अभियान चालू है, तो ऐसे में जो ऑपरेशंस हैं उनको आप जल्दी से सीज करो। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Honor 20 Pro को लेके, ये दोस्तों फोन जो है लॉन्च होने वाला है अभी बस बहुत ही जल्दी, और यहां पे कुछ फोटो सैंपल्स निकल के आए हैं, और यहां पे इमेज डेटा से मालूम चलता है कि जो एपर्चर है वो f1.4 का हो सकता है। मतलब दोस्तों ये क्रेजी है, अगर ऐप 1.4 का हुआ तो लो लाइट परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो काफी कमाल होगी। इसके अलावा कुछ और इंप्रूवमेंट्स भी मिलेंगे, तो भैया लगता है कि कैमरा बहुत सॉलिड होने वाला है इस फोन का। बाकी कर देखते हैं क्या मिलती है डिटेल्स Honor के इसी अपकमिंग फोन के लिए। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे OnePlus की तरफ से, और यहां पे दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना लेटेस्ट Warp 30 कार चार्जर, और यहां पे जो कीमत है वो है ₹1,990, जहां पे आउटपुट दोस्तों को मिलता है पूरा का पूरा 30 वॉट्स का, और आप सिर्फ 20 मिनट में फोन को 50% चार्ज कर पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है। मजा तब आ जाए बस मतलब चुटकी बजाएं वो थेनोस वाली, मतलब बस वी स्नैप और हमारे फोन की बैटरी डबल, आधी नहीं डबल, फिर डबल फिर डबल, तब देखो मजा ही मजा। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट निकल गया था यहाँ पे Asus Zenfone 6 को लेके, और यहाँ पे दोस्तों हो गया है ऑफिशियली लॉन्च, जहां पे काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं इस फोन में। ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 855 है, और यहाँ पे है दोस्तों 5000mAh की बड़ी बैटरी, ये आता है एक काफी इंटरेस्टिंग फ्लिप कैमरा के साथ में, जो कि है 14+13 megapixel का। मैं दोस्तों यहाँ पे इसका वीडियो खैर बना ही चुका हूँ, अगर आपने तो जाकर आप देख लीजिए, आपको जहाँ मिल जाएगी कुछ और डिटेल्स फोन के बारे में, और ये बहुत जल्दी इंडिया में आने वाले, आप देखते हैं कि मई एंड में आता है या जून फर्स्ट वीक में आता है, खैर जब भी आता है तो आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से एक कंप्लीट डिटेल्ड अनबॉक्सिंग वीडियो, और बाद में बात करेंगे आखिर क्या है खास इसी नए Zenfone 6 में। अगर आप मुझे बताओ कि आपको ये कितना अच्छा लगा या आपका क्या है फीडबैक इसी फोन के लिए नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Corning की तरफ से, हम भैया बात करते हैं Gorilla Glass कौन सा है, 5 है कि 6 है कि 3-2-1, लेकिन यहां पर दोस्तों बात हो रही है फिलहाल कि कैसे अभी हम टैबलेट्स में या नोटबुक्स में या टीवी वगैरह में और बेहतर तरीके से दोस्तों कर पाए इंप्लीमेंट
इवेंट गोरिल्ला ग्लास को, तो यहाँ पे बात हो रही है उन्हीं के एक नए प्रोडक्ट एस्टर ग्लास के, जो कि आता है कॉर्निंग की ही तरफ से। अब आगे चल के फिर आप बोलोगे कि क्या तुम्हारे टीवी में एस्टर ग्लास है, और अगर है तो कैसा है, और फिर टीवी पे स्क्रैच ना लगे, टीवी कहीं गिर जाए तो भैया कुछ दिक्कत ना हो, मतलब टीवी नहीं गिरेगा, टीवी के ऊपर अगर कोई चीज आके लग जाए तो दिक्कत ना हो, या फिर चाहे वो आपका लैपटॉप या फिर आपकी टैबलेट हो। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे माइक्रो मैक्स की तरफ से, मतलब काफी शांति थी और बीच में अचानक से जो है वो शोर मचा, और यहाँ पे दोस्तों लॉन्च कर दिया है माइक्रो मैक्स ने अपना नया फोन, नाम है i1 और नॉच डिस्प्ले है और 5,000 रुपए की कीमत है, लेकिन बस यही है और बाकी कुछ भी नहीं है। मैं ना एक साफ दोस्तों क्लियर रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, कि जो 4-5-6 हज़ार रुपए के फोन है ना, उसके बजाय और 1,500 रुपये, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये 5,000 का फोन है, इसमें अगर 1,000 रुपये मिला के कोई इंसान रियलमी C2 ले ले तो वो एक बहुत ज्यादा बेहतर फोन होगा इस फोन के कंपैरिजन में। और ऐसे मैं समझता हूँ कि 5,000 में 1,000 ऐड करना, मतलब आप 20% जो है वो एक्स्ट्रा बजट अपना बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी समझदारी इसी में, बिकॉज ये जो 4,500-5,000-4,000 के फोन रहे हैं वो दम है नहीं, आज की डेट में सस्ते के चक्कर में जो है वो कुछ लोग खरीद भी लेते हैं लेकिन बाद में पछतावा बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे वावे की तरफ से बात हो रही है हाई सिलिकन प्रोसेसर की, जहां पर दोस्तों प्लानिंग चल रही है कैसे चिप में ही जो 5G मॉडम है उसको भैया इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाया जाए, तो मतलब अलग से जो मॉडम है उसको नहीं लगाना पड़े, तो मतलब ऐसे में भैया देखते हैं कि मॉडम को इंटीग्रेट करते हुए कैसे 5G चिपसेट्स बनाता है यहाँ पे वावे, अगर कभी पॉसिबल हो पाता है, और आखिर इसमें और कितना दम दिखाएगा परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे सोनी की तरफ से, यहां पे दोस्तों डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ में एक साउंड बार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, और ऐसे में नाम है सोनी के हर एक प्रोडक्ट की तरह थोड़ा सा टेढ़ा-मेढ़ा, जहां पे इसको बोलते हैं सोनी HTX8500, और जो कीमत है दोस्तों वो है करीब 30,000 रुपए के आसपास, लेकिन ऐसे में दावा यह है कि आप भैया लगा दो इस साउंड बार को, उसके बाद आपको मिलेगा पूरा सिनेमा जैसे दोस्तों एक्सपीरियंस डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ में। तो क्या आप अपने टीवी, अगर आप यूज करते हैं, मतलब आज के बहुत कम लोग क्या टीवी यूज करते हैं, तो क्या दोस्तों उसके साथ में आपने किन्हीं एक्स्ट्रा स्पीकर्स को या साउंड बार को या किसी और साउंड सिस्टम को कनेक्ट किया है कि नहीं, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे WhatsApp की तरफ से, तो यहां पे दोस्तों बात हो रही है भैया किन्हीं ऐप्स को लोगों ने ज्यादा डाउनलोड किया, तो यहां पे WhatsApp जो है वो ग्लोबली मोस्ट डाउनलोडेड ऐप थी, लेकिन यहां पे दोस्तों Q1 2019 का उसमें आगे लीड ली है TikTok ने, और भैया TikTok का जो वायरल होना है वो बहुत तेजी से, मतलब बस बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप TikTok यूज करते हैं? ये खैर मैं पोल ना कल पूछूंगा, आज नहीं पूछता, लेकिन अभी के लिए अगर जो भी कुछ लिखना हो नीचे बताओ, बिकॉज मेरे को जानना बहुत जरूरी है कि हम दोस्तों जो हैं, मतलब हमारा जो इतना बड़ा परिवार है उसमें से अभी आप में से कितने लोग जो हैं वो TikTok को यूज करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे Redmi Note 7S को लेके, और यहाँ पे भैया फोन जो है वो टीज कर दिया मिस्टर मनोज जैन ने दोस्तों लाल कलर में, और इसमें बेचा जाएगा Flipkart के द्वारा। अभी ऐसे में दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीजें भी निकल के आई हैं इस फोटो से, कुछ क्लिक हुई 2-3 पिक्चर्स भी हम सामने देख पा रहे हैं, लेकिन यहां पे लगता यह है कि चाइनीज रेडमी नोट 7 जो है 14 मेगापिक्सल का, उसी को इंडिया में लेके आ रहे हैं नाम बदल के, और यहां पे दोस्तों को बोल ही रहा था कि फोन मतलब बस एक जैसे ही है, थोड़े बहुत मिलते जुलते, कुछ इसमें अच्छा कुछ उसमें अच्छा, दोनों को मिक्स एंड मैच कर करके तरह तरह के फोन जो है मार्केट में आते जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली कि ये इंडिया में आता है तो किस कीमत पे आता है, और क्या कुछ नया लेके आता है, और क्या Xiaomi मार्केट को थोड़ा हिला पाता है, फिर Xiaomi हिलाएगा, फिर कोई हिलाएगा, फिर सब मिलकर हिला देंगे, तो मतलब फायदा एडवे कंज्यूमर्स का। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, लास्ट निकल के आता है यहाँ पे EU की तरफ से एक अपडेट, और यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं कि जो गूगल है या ट्विटर है या फेसबुक है वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भैया अभी भी ढंग से कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं फेक न्यूज वगैरह को, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों अभी भी बहुत सारे तरह तरह के आर्टिकल्स चलते रहते हैं, तरह तरह की फेक स्टोरीज चलती रहती हैं, और गूगल फेसबुक ट्विटर जो है वो पूरा जोर लगाने के बाद में भी अभी तक भी ठीक से जो है वो कुछ कर नहीं पाए हैं खास इसके अगेंस्ट। तो खैर दोस्तों देखते हैं आगे चल के हम इंटरनेट को कितना स्वच्छ जो है वो बना पाते हैं। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।